आप देख रहे हैं अमेज नाउ। वाणी मोबाइल बलदेव प्लाजा गोलघर गोरखपुर। आईफोन, वन प्लस, सैमसंग, वीवो, ओप्पो, रियलमी, एमआई, लावा, टेक्नोमोटो, ये सभी प्रोडक्ट उपलब्ध हैं। हमारे यहाँ सभी प्रकार के उत्कृष्ट आधुनिक और लेटेस्ट मोबाइल उपलब्ध। बलदेव प्लाजा गोलघर, राजेंद्र नगर, गोरखनाथ और हाटा कुशीनगर जनपद में भी वाणी मोबाइल की सभी सेवाएं उपलब्ध। मोबाइल नंबर 9186874190008। सावन का पहला सोमवार, शिवालयों में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। ये अद्भुत नज़ारा प्रदेश के सभी ज़िलों के सभी शिवालयों में देखने को मिल सकता है। लेकिन बात अगर गोरखपुर की करें तो यहाँ मानसरोवर मंदिर है। झारखंडी जैसे तमाम मंदिर यहाँ गोरखपुर में हैं, जिनकी अपनी अलग अलग मान्यता है। और इसी मान्यता की माने तो यहाँ अलग से भगवान शिव की शिवलिंग की स्थापना नहीं हुई, बल्कि भूगर्भ से भगवान शिव प्रकट हुए। हम आपको लेकर आए हैं आज गोरखपुर के मानसरोवर मंदिर में, जहाँ पर राजा मानसिंह और भगवान भोलेनाथ की अपनी अलग ही कहानी है। और कड़कड़ में भगवान शिव यहाँ वास करते हैं। बहुत अच्छी मान्यता है यहाँ पर पूजा करने की। और यहाँ पर हम लोग अपने थाली में शिव शंकर जी के लिए दूध, अक्षत, शहद, जल और बेलपत्र सब चीज ले के आए हैं, ताकि भगवान शिव से हम अच्छे से पूजा अर्चना कर सकें। ऐसे में राजा मानसिंह की कहानी की अगर बात करें तो यहाँ पर राजा मानसिंह स्नान करने आया करते थे और अटखेलियाँ करते थे। इसी दौरान एक दिन भोर में भगवान शिव ने इन्हें स्वप्न में दर्शन दिया और कहा कि तुम वहाँ हर दिन जाते हो और मेरे शिवलिंग को देखते भी नहीं हो। वहीं पेड़ के नीचे मेरा शिवलिंग पड़ा है, तुम जाओ और वहाँ पर देखो और शिवलिंग की स्थापना करो और भी भक्तों को ये बातें बताओ। सुबह जब राजा मानसिंह आते हैं तो देखते हैं कि पत्तों के नीचे भगवान शिव की शिवलिंग मौजूद है। उसके बाद वहीं शिवलिंग की स्थापना कर वहां पूजा अर्चना शुरू हो जाती है और उसी दिन से पूरे प्रांगण और भगवान शिव के मंदिर का नाम मानसरोवर पड़ गया। और तब से लेकर आज दिन तक हर दिन यहां भक्तों की कतार नजर आती है। सावन के सोमवार का बहुत ही आनंद है यहां गोरखपुर में। हम लोग यहां पर दर्शन करते हैं और हम लोग बाबा देवघर का भी दर्शन करने के लिए जाते हैं। और इसकी मान्यता सदियों पुरानी है, जिसका हम व्याख्यान नहीं कर सकते। भगवान शिव का 2000 वर्ष पुराना यहाँ पे है, बहुत प्रचलित स्थान है। यहाँ पे सबकी मनोकामनाएं संपूर्ण होती, रुद्राभिषेक अभिषेक होते हैं। तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ पे साल में 2 बार रुद्राभिषेक करते हैं, एक तो दशहरे दिन दशमी के दिन और फिर सावन में करते हैं और एक महाशिवरात्रि के। खास तौर पर शिवरात्रि और सावन में यहाँ पर दूर दराज से लोग भगवान भोलेनाथ के दर्शन करने आते हैं और अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए मन्नतें भी मांगते हैं। और कहते भी हैं कि यहाँ पे जो भी मन्नतें मांगते हैं वो पूरी ज़रूर होती हैं। छापड़िया डायबिटीज एंड थायराइड सेंटर, छापड़िया हॉस्पिटल, बेतियाहाता गोरखपुर। डॉक्टर अंकित छापड़िया, डायबिटोलॉजिस्ट, फेलोशिप इन डायबिटीज फ्रॉम रॉयल कॉलेज ऑफ फिजिशियंस लंदन एंड थायराइड स्पेशलिस्ट द्वारा थायराइड के सभी तरह के इलाज और जांच उपलब्ध। डायबिटीज और उसके कॉम्प्लिकेशंस की जांच, इलाज की सुविधाएं उपलब्ध। न्यूरोपैथी की जाँच, रेटिनोपैथी, HbA1c, लिपिड प्रोफाइल, थायराइड फंक्शन टेस्ट, हार्मोन रिलेटेड सभी जांचें होती हैं। डाइटिशियंस और वेट मैनेजमेंट की सुविधा उपलब्ध। संपर्क करें छापड़िया डायबिटीज एंड थायराइड सेंटर, छापड़िया हॉस्पिटल, बेतियाहाता गोरखपुर। मोबाइल नंबर 8409967738 और 0551796013। आप देख रहे हैं अमेज नाउ।
गंगा, यमुना, राप्ती और गोमती के तटवर्ती इलाकों से खबरें आप तक।